नमस्कार, आप देख रहे हैं BNY न्यूज। खबर यूपी के आगरा से आ रही है। कालिंद्री के रौद्र रूप से प्रभावित गांव का भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने किया दौरा। किसान नेता सोमवीर यादव प्रतिनिधि मंडल के साथ पहले बड़ौली अहिर ब्लॉक के गांव समोगर बुजुर्ग तनोड़ा नूरपुर मेहरा नाहरगंज आदि गाँव में फसलों का जायजा लिया। किसान नेता सोमवीर यादव ने कहा कि सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन यमुना नदी के तेज पानी के बहाव से कट गई है, किसान भूमिहीन हो गए हैं। साथ ही किसान नेता ने ये भी कहा कि कभी आंधी तूफान, कभी अति ओलावृष्टि, कभी सूखा एवं दैवीय आपदा बाढ़ का पानी किसानों को बर्बाद करता चला आ रहा है। सरकारें आती जाती रही लेकिन किसानों का कभी कोई भी उचित समाधान नहीं हुआ। बाढ़ से पीड़ित ग्रामीण तनोड़ा नूरपुर अमर सिंह भागीरथ सिंह राजेंद्र सिंह लोकेंद्र तेज सिंह संजू से बातचीत की और कहा कि जो किसान यमुना नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं सरकार उनको मुआवजा दे। प्रतिनिधि मंडल में मुकेश पाठक राम विलास रघुवंशी लक्ष्मी नारायण बिगेल आदि प्रमुख थे। BNY न्यूज के लिए आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? यशपाल यादव है, ग्राम समोगर जिला आगरा। क्या समस्या है आपके यहाँ? यहाँ सर हजारों बीघा जमुना नदी के बाढ़ में खेती जा चुकी है, किसान बहुत परेशान है। किसान चारे के लिए चारा सब खेतों में फसल में क्या क्या नुकसान हुआ है? जैसे फसल सबरी बाजरा है, चरी है, मक्का सब डूब चुकी है। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग है कि ये किसान की समस्या सुनी जाए। क्या नाम है आपका? मैं सोमवीर यादव किसान नेता जनपद आगरा से हूँ। आज किन समस्याओं को लेकर आप ये यमुना किनारे किसानों के क्षेत्र में फसल के नुकसान के संबंध में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम आगरा के बरौली ब्लॉक के गाँव समोगर में आए हैं, जहाँ यमुना नदी में इतना पानी आ गया जिससे किसानों की सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन और फसल तबाह हो गई है। कभी ओलावृष्टि की मार, कभी देवी आपदा की मार, तमाम तरह की सूखा की मार, तमाम तरह की मारों को किसान झेलता है, लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार से क्या मांग रहेगी कि किसानों की महरम लगे, उनको मदद मिले? देखिए, हमारी सरकार से मांग है कि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उस पर किसानों को मुआवजा दिया जाए, और जहाँ जहाँ कटान हो रहा है यमुना नदी से उस कटान रोकने के लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करे जिससे किसानों को बचाया जा सके। अगर किसान देश का नष्ट हो गया तो देश नष्ट होने वाला है।